गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कहीं ना कहीं कंपटीशन को इन्हेंस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो कंपटीशन में अपनी वॉचेस को लॉन्च कर रहे हैं, चाहे मैं फायरबोल्ट की बात करूँ, चाहे मैं बोट की बात करूँ, चाहे मैं रियलमी की बात करूँ, चाहे मैं आपकी टैग की बात करूँ या आपका अमेज़फिट की बात करूँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको फायरबोल्ट ने भी एक वॉच लॉन्च कर दी है। कल ये सेल पर जाने वाली है 12 बजे। फायरबोल्ट AI आती है ये, और AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट पता नहीं AI इसका नाम ही रखा गया है सिर्फ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें है कि नहीं वो नहीं पता मेरे को, बट यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले साइज़ है बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये कॉलिंग वॉच होने वाली है, तो यहाँ पे इनबिल्ट आपको माइक्रोफोन मिलता है और स्पीकर की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, जिससे आप प्रॉपरली आप बात कर सकते हो, ऑल टाइम अपने फ़ोन को निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर लो। यहाँ पे डिस्प्ले की बात करूँ तो 1.69 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है। ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। जो 1.69 इंचेस की डिस्प्ले है आपको वो कहीं ना कहीं 240x280 पिक्सल्स की ही मिलती है, और पिक्सल साइज़ भी आपको उतना ही है। और यहाँ पे HD डिस्प्ले तो मिल जाती है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पिक्सल साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेटर थी, जिसकी वजह से शार्पनेस बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को लगा कि यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ तो अच्छा है, बट यहाँ पे पिक्सल साइज़ बेटर करना चाहिए था। वॉइस असिस्टेंट आपको मिल जाता है, और यहाँ पे कमांड्स आप देख सकते हो, व्हाट इज़ द वेदर, और कॉल मॉम या प्ले बॉलीवुड म्यूज़िक यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। क्राउन वर्किंग है कि नहीं वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगी और अल्टीमेट फिटनेस पार्टनर, यहाँ पे आपको फिटनेस ट्रैकिंग की बात करूँ तो SPO2 मॉनिटर मिल जाता है, HR मॉनिटर मिल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल्स भी आप चेकआउट कर सकते हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, स्लीप मॉनिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, और 10 स्पोर्ट्स मोड तो मिल ही जाते हैं आपको इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉलिंग वॉच में आपको 10 स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं जो। और आगे बात करें द वैरायटी ऑफ कलर्स, यहाँ पे आपको 4 कलर वेरिएंट्स में मिल जाएगी, ब्लू, ग्रे, पिंक और ब्लैक। तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग, मतलब अपने यूजेस के अकॉर्डिंग आप चूज़ ऑन कर सकते हो, आपको जौन सी अच्छी लगती है, कौन सा लुक प्रेफर करते हो। और यहाँ पे जो स्ट्रैप साइज़ है वो 20mm है, तो आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ ऑन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मल्टीपल वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपको वॉच फेस मिल जाएंगे, और गैलरी में से कोई भी इमेज का वॉच फेस भी आप लगा सकते हो। ये बेसिक फीचर डेफिनेटली दिया गया है। स्मार्ट नोटिफिकेशन को आप रिसीव कर सकते हो इसमें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जितने भी आपके सोशल मीडिया के हैं आप कर सकते हो। IP67 की रेटिंग मिलती है इसमें, IP68 की नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉलिंग वॉचेज़ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं IP67 की रेटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे दो वेंट्स होते हैं, एक स्पीकर और एक माइक के लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इशू हो सकता है, पानी जा सकता है अंदर। तो बैटरी लाइफ भी अच्छा है यहाँ पे, 10 दिन का आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्मार्ट फीचर्स की, तो अलार्म टाइमर मिल जाता है, ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ पे आप कर सकते हो वॉच से ही, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, वेदर अपडेट्स में मिल जाते हैं, बट यहाँ पे फाइंड माई फोन का ऑप्शन नहीं मिलता, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन मिलता है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा, फाइंड माई फोन का ऑप्शन भी होना चाहिए था। और अगर मैं बात करूँ बोट, कहीं ना कहीं अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है ऑलरेडी, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं कॉलिंग वॉच ये है, तो मेरे ख्याल से इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये हो सकती है। आपको क्या लगता है आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसका जो डायल है वो मेटल का है, बेस इसका पॉलीकार्बोनेट का आपको मिल जाएगा, और 2.5D कर्व ग्लास तो आपको मिल ही जाएगी इसमें। तो गाइज़ ये 2999 से 3499 रुपीज़ में हो सकती है, और डेफिनेटली मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में आपको और भी वॉचेस देखने को मिल जाती है कॉलिंग वॉचेस, बट यहाँ पे फायरबोल्ट की तरफ से आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी बात है कि आपको अंडर बजट सेगमेंट में आपको ये मिल जाती है। बट अगर इसका क्राउन वर्किंग हुआ तो और भी बेटर रहेगा। ऐसा तो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि क्राउन वर्किंग है कि नहीं, बट यहाँ पे एक टेक्सचर मिल जाता है क्राउन पे, तो मे बी वर्किंग हो सकता है, बट इसकी मैं अनबॉक्सिंग के बाद ही आपको बता पाऊंगा कि इसमें क्राउन वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। तो गाइज़ मैंने आएगा सारे के सारे यहाँ पे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। इसके अलावा आपका कोई क्वेरी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।